अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ मतंजन। इसके लिए मैं खोया बना रही हूँ। आप देख सकते हैं कि खोया मैंने बना ली है। दिखाती हूँ बाकी चीज़ें आपको। चावल लिए मैंने और चीनी तो मैं रखना भूल गई। केवड़ा एसेंस है, इलायचियाँ, खोया, टूटी फ्रूटी, खोपरा, बादाम, पिस्ता और ये रंग बिरंगे समाल, चमचम है मिठाई हमारे पास। चावल और चीनी का रेशो मैं आपको बता देती हूँ। चावल मैंने लिए 500 ग्राम और चीनी लिए मैंने 450 ग्राम। आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं, बराबर लें लेकिन बराबर से ज़्यादा नहीं। पानी मैंने गर्म कर लिया, ऐड कर देंगे इसमें चावल। चावलों को तकरीबन हम 70% कुक करेंगे और फिर छान लेंगे। मतंजन मेरे चावल जो होते हैं वो नरम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, एक एक दाना चावल का अलग नज़र आना चाहिए। चावल हमारे हो गए। अब मैंने रखा ऑयल गर्म होने के लिए। ऐड कर देंगे इलायचियाँ। और चीनी जो मिस हो गई थी मैं आपको दिखा नहीं सकी। चीनी के साथ ही मतंजन बनेगा विदाउट नहीं। ऐड कर देंगे हम चीनी। और मिक्स करके ना थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि चीनी का जो कलर है वो चेंज ना हो। चाशनी हमें वाइट कलर में चाहिए। कवर करके 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे। तीन मिनट हो गए। अब दिखाते हैं चाशनी आपको। ये देखें चाशनी जो है वो रेडी है। और इसकी ये जो निशानी है वो ये जो आपको बबल नज़र आ रहे हैं ये है। अब इसमें पानी नहीं है और चीनी भी अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है। ऐड कर देंगे चावल। इस ईद पे ज़रूर बनाइए मतंजन। आपके दस्तरखान और आपके खाने की टेबल में रखा हुआ ये मतंजन उनकी शान और रौनक में 16-16 चांद लगाएगा। बाकी के मीठे लाख सही लेकिन ये जो हमारे रवायती मीठे हैं और स्पेशल मतंजन इसकी तो बात ही अलग है। कवर करके मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक पकाएंगे। ताकि जो चाशनी है वो चावलों में अच्छी तरह से जज्ब हो जाए और जो तेल है वो अलग हो जाए, पानी ना रहे इसमें। इस ईद पे ज़रूर बनाएं, बहुत ही कलरफुल रेसिपी है ये और बहुत ही अच्छी और मज़े की लगती है। तकरीबन 5 मिनट हो गए। ये देखें चाशनी चावलों में जज्ब हो गई है। इसमें बिल्कुल भी कोई पानी बाकी नहीं है। ऐड करूँगी मैं फूड कलर। फूड कलर मैंने 2 लिए हैं, रेड और ग्रीन कलर। मैंने इन दोनों का डार्क रखा है और बिल्कुल थोड़ा सा पानी मैंने थोड़े से पानी में इसे हल्की है। और ऐड कर देंगे केवड़ा एसेंस, बिल्कुल चंद कतरे। अच्छा मतंजन में जो होता है वो वाइट चावल ज़्यादा होते हैं और कलर के जो होते हैं कलरफुल वो थोड़े से होते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं वो 3 कलर ऐड करते हैं, येलो भी करते हैं, लेकिन मैंने 2 ही किए हैं और 2 ही अच्छे लगते हैं। ऐड कर देंगे अपने ये लवाजमात। अच्छा मैंने ये जो मेरे चमचम हम लोगों ने लिए हैं मैं इसी पॉइंट पे ऐड कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों से मैं यही कहूँगी कि आप लोग इस पॉइंट पे ऐड ना करें क्योंकि 10 मिनट का हम लोगों ने दम देना है तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। सेट तो हो जाएंगे बाद में जब हम चूल्हा बंद करेंगे और 10-15 मिनट का रेस्ट देंगे इन्हें
तो ये बिल्कुल अपने शेप में आ जाएंगे, लेकिन साइज़ में ना ये थोड़े से छोटे हो जाएंगे। तो आप लोग इन्हें ऐसे ही रहने दें, इस पॉइंट पे ऐड ना करें, बाकी की चीज़ें ऐड कर दें। तो ये फिर जब आप मुतजन सर्व करें ना, तो फिर गार्निश के लिए इन्हें यूज़ करें। अब मैं खोया ऐड कर रही हूँ। खोया ऐड करने से ना मुतजन में इतना ज़बरदस्त यूनिक सा टेस्ट डिवेल्प होता है, बहुत ही मज़े का। खोया तो आप ज़रूर ऐड करें। कवर करके ना 10 मिनट के लिए मैं दम पे रखूँगी, 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे और बाकी के 5 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे तवा में लगा दूँगी। दस मिनट हो गए, अब दिखाते हैं आपको मुतंजन। ये देखें कितना हसीनो जमील खूबसूरत सा मुतंजन जो है वो पक के तैयार हो गए। और वो जो चमचम मैं कह रही थी आपको, आप अगर देखें और से तो आपको लग रहा होगा ये ना बिल्कुल सॉफ्ट से हो गए, सेट हो जाएंगे, लेकिन ये ना शेर थोड़े से छोटे भी हो गए हैं। तो आप लोग ना दम से पहले इन्हें ना यूज़ करें, बाद में करें। और चावल देखें एक एक दाना अलग है और वाइट चावल ज़्यादा है, और मुतंजन में हमेशा वाइट चावल जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और कलर वाले ना बिल्कुल अलग नज़र आ रहे होते हैं। आपको ग्रीन भी नज़र आ रहे हैं, आपको रेड भी नज़र आ रहे हैं, और कोई चावल ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल खिचड़ी सी बन गई हो ना, कलर जो है वो मिक्स हो गए हों, नहीं, एक एक अलग नज़र आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं जी। ये देखें ये हमारी फाइनल लुक, बहुत ही खूबसूरत। इस ईद पे बनाएं अपने दस्तरखान और खाने की जो टेबल है उसकी शान बढ़ाएं, और सबकी तवज्जो का मरकज़ बनेगा ये मुतंजन। चावल देखें यहाँ भी आपको ना एक एक अलग नज़र आ रहा है, वाइट चावल जो हैं वो ज़्यादा हैं और कलर वाले भी हैं, ये आपको ग्रीन भी नज़र आ रहे हैं, रेड भी नज़र आ रहे हैं। ग्रीन और रेड जो कलर मैंने डार्क रखा है, कलर मैंने लिया था लेकिन उसमें जो पानी है वो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा, ये समझ लें कि एक टीस्पून मैंने दोनों कलर में लिया होगा। अच्छा, और वो लोग जो इतनी मेहनत करते हैं कि वो ना तीन कलर फिर तीन तरह के तीन बर्तनों में तीन चावल लेते हैं और फिर एक रेड ग्रीन और फिर ऑरेंज, वो सारी मेहनत छोड़ें, बस ना दो साइड में थोड़ा सा कलर बिल्कुल थोड़े से पानी के साथ रख दें, और ये देखें रिज़ल्ट आपके सामने है। इस ईद पे ज़रूर बनाएं, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ मेरे चैनल को शेयर करें। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ।